हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड दोस्तों, आप जानते ही हैं मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हम अपने सब्सक्राइबर के फीडबैक के बेसिस पर कंटेंट डेवलप करते रहते हैं। और जैसा आप जानते हैं, अभी 5 मॉड्यूल्स हैं, स्ट्रैटेजी, HR, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और OB। हमारा मार्केटिंग मॉड्यूल ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, HR मॉड्यूल ऑलरेडी फिनिश हो चुका है और स्ट्रैटेजी मॉड्यूल की भी लास्ट वीडियो है। तो हमारे 3 मॉड्यूल्स फिनिश हो जाएंगे। अब काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कुछ और कंटेंट बनाने के लिए सजेस्ट किया है, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लॉ, डिसीजन साइंस। हम लोग उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं एंड जल्द ही उसके ऊपर भी आपको अपडेट देंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आज की वीडियो स्ट्रैटेजी की वीडियो है, वीडियो नंबर 32, और यह स्ट्रैटेजी मॉड्यूल की लास्ट वीडियो है। हमने इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑलरेडी शुरू किया था वीडियो नंबर 29 में। 3 वीडियोस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इवैल्यूएशन कंट्रोल क्यों ज़रूरी होता है, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ हमारा मॉड्यूल फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन क्या होती है? अब देखिए, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशंस में नॉट बी कंडक्टेड बिकॉज एग्जीक्यूटिव्स। अब कई बार क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स, CSO, CEO, VP लेवल के बंदे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के बजाय शॉर्ट टर्म इवैल्यूएट करते हैं। हर मंथ जो है वो रिव्यू कर रहे हैं, हर क्वार्टर वो रिव्यू कर रहे हैं। इससे क्या कारण होता है? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन का वो कई बार उनको इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती है। वो सोचते हैं, यार इतना लंबा क्यों सोचना है, आज के बारे में सोचो, आज के बारे में इवैल्यूएट करो। दे बिलीव दैट शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन। अब शॉर्ट टर्म में ही मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी के बिजनेस गोल्स पूरे नहीं हो रहे, तो लॉन्ग टर्म में क्या कर पाएंगे? इसलिए भी बहुत सारे जो ये लोग हैं शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन रखते हैं, aren't पर्सनली इवैल्यूएटेड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ये भी ज़रूरी होता है। अब वो ये कहेंगे कि जो मैनेजमेंट है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म पे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको क्वार्टर में इतना वो ला के देना है, प्रॉफिट ला के देना है, टॉप लाइन बॉटम लाइन इतनी होनी चाहिए। तो जब मैनेजमेंट लेवल के बंदे को उस चीज़ पे इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो अपनी नीचे वाली टीम को कैसे इवैल्यूएट करेगा लॉन्ग पे? अब एक नेशनल सेल्स डायरेक्टर लेवल का बंदा है, उसको हर महीने जो है वो सेल्स के नंबर के ऊपर अगर जज किया जाता है, तो नीचे वाली टीम को भी वो क्वार्टरली एनुअल बेसिस पे नहीं करेगा ना, वो उसको भी मंथली बेसिस पे करेगा। डोंट हैव टाइम टू मेक अ लॉन्ग टर्म एनालिसिस। लॉन्ग टर्म एनालिसिस स्ट्रैटेजी बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उतना टाइम जो है मोस्टली लोगों के पास नहीं होता है। तो इन 4 कारणों के दोस्तों शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन जो है वो सिस्टम में आती है। गोल डिस्प्लेसमेंट। अब गोल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? गोल, आपने जैसे फुटबॉल का गेम देखा होगा, एक एंड में गोल, एक पोस्ट लगी होती है, बॉल हिट करके जब वहाँ पे अंदर चली जाती है तो गोल स्कोर होता है। तो गोल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कन्फ्यूजन ऑफ मीन्स विद एंड्स। अब मीन्स होता है किसी चीज़ को करने के तरीके, उसको कहते हैं मीन्स। आपको सेल्स बढ़ानी है, उसके लिए आपने डिमांड जनरेशन एक्टिविटी करी, उसके लिए आपने नए डीलर अपॉइंट करे, ये सब उसके तरीके हैं। और एंड्स, एंड्स मतलब लास्ट एंड रिजल्ट क्या है, तो इनके बीच में कई बार कन्फ्यूजन होता है लोगों को। मीन और एंड जो है वो नहीं समझ में आते हैं कि मीन्स क्या है और एंड क्या है और कैसे हम उनको चेस करें। ऑकर्स वन एक्टिविटीज ओरिजिनली इंटेंडेड टू हेल्प मैनेजर्स अटेन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स बिकम एंड्स इन देमसेल्व्स और आर अडेप्टेड टू मीट एंड्स अदर देन दोज विच आर देवर इंटेंडेड। अब कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एंड ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं तरीके, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस, और ये कि ह्यूमन के साथ भी है कि वही उसका मेन वो बन जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सेल्स ज़्यादा बढ़े, इसके लिए नंबर ऑफ डीलर्स बढ़ाना जो है वो एक तरीका था। कई बार सेल्स टीम जो है उसको अपना एंड वो मानने लग जाते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव ही है। ये हार्मफुल क्यों है? उसमें वो फिर ये चेस करें कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीलर खोलता जाऊँ, उन डीलर्स को से ज़्यादा जूस आउट चर्न करना, उनको प्रोडक्टिव करना, उस पर उसका ध्यान नहीं रहता। इसलिए इसको कहा जाता है कि कई बार जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हेल्प थी, उन्हीं को वो एंड रिजल्ट मानने लगते हैं। बिहेवियर सब्सटीट्यूशन एंड सब ऑप्टिमाइजेशन। कई बार क्या होता है, बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं इन सब प्रोसेस के बीच में, हर कोई जो है उस ऑप्टिमम लेवल पे नहीं काम करता जिस पे करना चाहिए, तो इन सब की वजह से भी दोस्तों गोल डिस्प्लेसमेंट जो है वो अकर होती है। इसमें अब नेक्स्ट आता है दोस्तों बिहेवियर सब्सटीट्यूशन। फिनोमिनन ऑफ परसुइंग सब्सटीट्यूट एक्टिविटीज दैट डू नॉट लीड टू गोल अकम्प्लिशमेंट इंस्टेड ऑफ एक्टिविटीज दैट डू लीड टू गोल अकम्प्लिशमेंट बिकॉज द रॉन्ग एक्टिविटीज आर बीइंग रिवॉर्डेड। अब ये क्या होता है दोस्तों, बिहेवियर सब्सटीट्यूशन। कई बार ये होता है कि जो एक्टिविटीज़ गोल को अचीव करने में हेल्प करती, उनको करने की बजाय जो एक्टिविटीज़ हेल्प नहीं करती वो की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि रिवॉर्ड उनको किया जा रहा है।
अब इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी स्कीम निकालते हैं, मान लीजिए लोगों को रिवॉर्ड करने के लिए, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है, कोई भी आप इंसेंटिव प्रोग्राम चलाते हैं अपने सेल्स वालों के लिए, अपनी डाउन टीम के लिए, तो जो आपके एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वही ड्राइव होने चाहिए। आपका एंड ऑब्जेक्टिव अगर सेल रिलेटेड है तो आपके बंदे के इंसेंटिव पैरामीटर में भी सेल होनी चाहिए। उसमें अगर आप नंबर ऑफ़ विजिट्स या नंबर ऑफ़ ये चीज़ें ही रख रहे हैं तो वो करके टिक मार्क करके उस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा ना। तो इसलिए कहा जाता है कि बिहेवियर सब्स्टिट्यूशन में रॉन्ग एक्टिविटीज़ अगर रिवॉर्ड होंगी तो जो है बिहेवियर में बंदे के में चेंज आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला होता है सब ऑप्टिमाइजेशन। सब ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सब ऑप्टिमाइजेशन होता है रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ अ यूनिट ऑप्टिमाइजिंग इट्स गोल एकम्प्लिशमेंट टू डेट्रीमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट अ होल। मतलब इसमें यह है कि हर यूनिट, अब जैसे अलग अलग डिविजन्स हैं, मार्केटिंग फंक्शन है, फाइनेंस है, एचआर है, हर फंक्शन के फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिर कुछ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कई बार अपने फंक्शनल या अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को रीच करने के लिए, पूरा करने में ये चीज़ें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो जो है कंपनी के ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से मिसप्लेस हो जाते हैं। इसलिए इसे कहा गया है रेफर्स टू द फिनोमिना ऑफ यूनिट ऑप्टिमाइजिंग गोल एकम्प्लिशमेंट टू डेट्रीमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो इस चीज़ को जो है हिंडर कर रहे हैं। आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब मान लीजिए फाइनेंस को जो है एक गोल दिया गया है कि आपको इतनी कॉस्ट कंट्रोल करनी है, उसकी वजह से वो कोई एक्टिविटी, मान लीजिए मार्केटिंग बजट कट कर देता है, वो लोगों की रिक्रूटमेंट रोक देता है। क्यों? वो कहेगा मुझे तो जो है कंपनी ने कहा है इतना बजट कंट्रोल करना है। तो उसने अपना डिपार्टमेंट का गोल तो एकम्प्लिश कर लिया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल था, ज़्यादा सेल्स लेके आना, लोग ही नहीं होंगे तो कहाँ से सेल आएगी, डिमांड जनरेट नहीं होगी तो कहाँ से सेल आएगी। इसको दोस्तों कहा जाता है सब ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो दोनों फिनोमिना हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको हमने डिटेल में समझा है। अब गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर कंट्रोल। बार बार हम कह रहे हैं इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, उस कंट्रोल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। सबसे पहला, कंट्रोल शुड इन्वॉल्व ओनली द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नीडेड टू गिव अ रिलायबल पिक्चर ऑफ इवेंट्स। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन कैसी पिक्चर मिले? रिलायबल, मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आप 10 चीज़ें बता दें दोस्तों उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप 5 चीज़ें बताइए, लेकिन वो 5 चीज़ें या 3-2 चीज़ें बताइए मैं तो कहता हूँ, लेकिन वो रिलायबल हो और वो एक होलसम पिक्चर दें। कंट्रोल शुड मॉनिटर ओनली मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट्स रिगार्डलेस ऑफ मेजरमेंट डिफिकल्टी। तो जो एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट्स हैं सिर्फ उनको मॉनिटर करें जो ज़रूरी हैं, राइट? मीनिंगफुल एक्टिविटी एंड रिजल्ट रिगार्डलेस ऑफ मेजरमेंट डिफिकल्टी। कई बार ये होता है कि जो चीज़ ज़रूरी है उसको मेजर करना मुश्किल होता है। आपको डिपार्टमेंट वाला आदमी कहेगा सर इसको ना मेजर नहीं किया जा सकता, मार्केटिंग का कैंपेन है, उसमें काफ़ी खर्चा है, आपको रिटर्न चाहिए। वो कहेगा सर ये मार्केटिंग एक्टिविटी है, इसका रिटर्न ऐसे थोड़ी ना निकल के आएगा। बट वो कंट्रोल के फिर मैकेनिज्म के अगेंस्ट है। अगर आपके लिए वो मीनिंगफुल एक्टिविटी है तो उसकी मेजरमेंट के तरीके भी पहले से डिफाइंड होने चाहिए। कंट्रोल शुड बी टाइमली सो दैट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन बिफोर इट इज़ टू लेट। ये दोस्तों लिखा लास्ट में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइमली होना चाहिए ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। अगर मान लीजिए जब चीज़ें हाथ से ही निकल गई हैं उसके बाद अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है? इसलिए कहा जाता है इट शुड बी टाइमली सो दैट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन बिफोर इट इज़ टू लेट। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल शुड बी यूज। गोल्स को सेग्रीगेट करें, लॉन्ग टर्म में हमें ये करना है, शॉर्ट टर्म में ये अचीव करना है, उनमें कन्फ्यूज ना हो। कंट्रोल शुड एम एट पिन पॉइंटिंग एक्सेप्शंस। अब कई बार एक्सेप्शंस होती हैं जो लेनी पड़ती हैं हर बिजनेस में, हर नॉर्मल लाइफ में। आपने भी उसमें देखे ना, मतलब हम रोज़ के रोज़मर्रा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ दिन होते हैं जिसमें एक्सेप्शन अच्छा होता है, बुरा होता है, तो उसको पिन पॉइंट करना हो जाए। एम्फोसाइज द रिवॉर्ड ऑफ मीटिंग और एक्सीडिंग स्टैंडर्ड्स रैदर देन पनिशमेंट फॉर फेलिंग टू मीट स्टैंडर्ड्स। एम्फोसाइज किस पे करिए? आप सेल्स वाले को ये मत कहिए तूने ये नहीं किया तो मैं जो है तुझे टर्मिनेट कर दूंगा, तुझे वार्निंग लेटर दे दूंगा। पनिशमेंट, अगर वो स्टैंडर्ड को नहीं मीट कर, पनिशमेंट पर फोकस मत करिए। उसे ये कहिए बेटा तू 110% अचीव करेगा तो तेरे को इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो रिवॉर्ड्स को हाईलाइट करिए रैदर देन पनिशमेंट को। अप्रोचेस टू स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव मैनेजमेंट वेटेड फैक्टर मेथड। वेटेड फैक्टर मेथड मतलब हर फैक्टर की इंपॉर्टेंस। अब 4 फैक्टर्स हैं तो 25-25% नहीं, मान लीजिए एक फैक्टर बिजनेस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मे बी आप उसको 40% वेटेज दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ, मेरे 4 KPI हैं, चारों की वेटेज इक्वल नहीं होगी। जो जितना ज़रूरी है उसको उतनी इंपॉर्टेंट वेटेज दीजिए। इसको कहते हैं वेटेड फैक्टर मेथड। लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन मेथड,
लॉन्ग टर्म इवेल्यूशन मेथड, अगेन इवेल्यूएशन लॉन्ग टर्म की जाए, लॉन्ग टर्म गोल्स को मद्देनजर रखते हुए। और स्ट्रैटेजिक फंड्स मेथड, स्ट्रैटेजिक यूनिट्स को देखिए, उसमें क्या फंडिंग चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, और उस मेथड को यूज़ कीजिए। इफेक्टिव वे टू अचीव द डिजायर्ड स्ट्रैटेजिक रिजल्ट थ्रू रिवॉर्ड सिस्टम इज टू कंबाइन द थ्री अप्रोचेस। सेग्रीगेट स्ट्रैटेजिक फंड फ्रॉम शॉर्ट टर्म फंड। स्ट्रैटेजिक फंड कुछ अलग है, शॉर्ट टर्म फंड अलग है, उनको आप सेग्रीगेट करके रखिए। डेवलप वेटेड फैक्टर चार्ट फॉर ईच SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। हर किसी के लिए अलग आप वेटेड फैक्टर चार्ट बनाइए। मेजर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन प्री टैक्स प्रॉफिट वेटेड फैक्टर एंड लॉन्ग टर्म इवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस। इसके बेसिस पे आप मेजर करिए परफॉर्मेंस को। अब बिजनेस स्ट्रेंथ की कॉम्पिटिटिव पोजिशन दोस्तों, एग्जाम्पल एक होता है इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है और बिजनेस स्ट्रेंथ आपकी कैसी है। तो आपको ध्यान होगा ना, ये हमने स्टार्टिंग में किया था BCG जो अपनी मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों मान लीजिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है और आपकी स्ट्रेंथ हाई है, उसको कैश काउ कहा जाता है। इस केस में हमें क्या करना होता है, उसको मिल्क करना होता है। दोनों लो हैं तो उसको डॉग कैटेगरी कहा जाती है, दोनों हाई हैं तो स्टार कहा जाता है, और मान लीजिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई और आपकी पोजीशन लो है तो वो क्वेश्चन मार्क आता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की हुई है। इसको यहाँ लाने का एंड रिजल्ट ये था कि किसी भी बिजनेस को जब आप इवेल्यूएट करते हैं, आप इस मैट्रिक्स में फिट कर दीजिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। और जो हमने अभी भी अलग अलग पैरामीटर्स पढ़े थे, ROI, कैश फ्लो, स्ट्रैटेजिक फंड, मार्केट शेयर, वो कैसे कैसे इनमें मूव करते हैं, उसका आपको एग्जांपल दिया है। मैं इसमें आपको एक क्वाड्रेंट फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। इंडस्ट्री एक्टिवनेस हाई है और पोजीशन लो है, मतलब आपके पास ना ROI आ रहा है ना कैश फ्लो जा रहा है, आपका मेजर खर्चा कहाँ हो रहा है, शेयर ग्रोथ में, स्ट्रैटेजिक फंड्स में। तो गलत है ना, ROI आना चाहिए था, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क कैटेगरी कहलाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इसके साथ ही हमारा स्ट्रैटेजी का पूरा मॉड्यूल खत्म होता है। 32 वीडियो में, 32 वीडियोस में मॉड्यूल है, आप प्लेलिस्ट में जाके किसी भी टॉपिक को देख सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी में दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर और कंटेंट भी डेवलप करने को तैयार है, एडिशनल सप्लीमेंट हम डाल देंगे। कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर हमारी मेल ID miru.study@gmail.com पे हमें बताइए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।